गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है तुहाडा सब दा एक बार फिर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न माइल दे विच। किवें हो जी सारे? मैं उम्मीद करदी हां कि सारे वधिया होणगे और सब दा बहुत बहुत स्वागत है सब नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सो लाइक शेयर सबसक्राइब अगर हल तक नहीं किया तो तुसी ज़्यादा तो ज़्यादा कर सकते हो, बाकी एज योर विश, अगर तुहानू अच्छा लगे तो जरूर करना, नहीं तो थोड़ी मर्जी है जी। पहली गल, अज आपां बहुत सारे मतलब टॉपिक्स से गल करांगे, डिस्कशन करांगे, जो बेसिकली होएगा 6, 35, 2364 और ईटी दी यूनियन और 99। ठीक है, जो ईटी दी यूनियन का लाइव तुसी सुनिया ही होना अपने चैनल पर भी है तो तुसी उत्थों भी देख सकते हो, वॉच कर सकते हो उन्होंने। तो उहदे विच मैं तुहानू मेन मेन जो अपने वास्ते जो उन्होंने गल्लां कहियां ने बहुत इंपॉर्टेंट गल्लां, क्योंकि उन्होंने सब पता होंदा है, वही अपने वास्ते जो है अपनी यूनियन है जो अपनू लैके चल रही है, जो हुण तक जिन्होंने सिलेक्शन मिली है, जो हुण जॉब ते लगे है, जिन्होंने ऑफर लैटर मिले, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन करके ही है। और ये मैं कहूँगी कि यूनियन अगर ना होंगी तो शायद अपना काम ना बनता। ठीक है, और अगर मैं तुहानू गल करां कि 19 जुलाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट जिहड़ा हैगा फैसला आना है ईटीडी वर्सेस बीएड दा फाइनल एंड लास्ट जिहड़ा है डिसीजन आना है, उस बेस पर 99 आएगी, उस बेस पर अगलिया स्क्रूटनी लिस्टा जिहड़ियां पाईयां जाणगियां, क्योंकि बी एड जिहड़ी है हजे भी विच विचाले उन्हां दा काम चल रहा। सो जिन्नी देर तक फाइनल सुप्रीम कोर्ट दा जो भी फैसला होएगा उही सारे स्टेटां दे विच लागू होएगा, तो राजस्थान और पंजाब जिहड़े बाकी सारे जिहड़े राज हैगे आ उह पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो बी एस टी सी वाले ई टी टी डी एल एड जे बी टी जो भी तुसीं कहिंदे हो, तो उहदे विच जिहड़े है बी एड इनकलूड नहीं करवानी। ठीक है, क्योंकि एन सी टी ई ने बी एड नूं इनकलूड किया, ये तीन केस हो सकते जो मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, 19 जुलाई नूं यानी कि आई थिंक मंगलवार ही बन रही है ना, उस दिन जिहड़ा अपना फैसला आना है, या तो इदा हो सकता है क्योंकि बी एड का बाहर निकलना जिहड़ा है अपने वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो अंदर आ गई तो जिहड़ियां पोस्टां उह सारियां अपने हत्थों चलियां जाणगियां। तो दूसरी चीज़ ये कि या तो बी एड नू 50-50 वेटेज होएगी बी एड और ई टी टी नू, या बी एड नू सैकेंड प्राथमिकता दे के, या फिर बिल्कुल बाहर किया जाना। ठीक है, सो मैं थोनों ये पहला भी चीज़ दसी सी कि 19 जुलाई नू जड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई है, और इदा नहीं तुसी सोच सकते भी ये अपने नाल कोई लेना देना नहीं, अपना ही सब तो ज़्यादा ये है। अगर ई टी टी दे कोर्ट मतलब जो सॉरी इस दे विच बी एड जित जाती है ना, तो जिहड़े ई टी टी 6, 35 सिलेक्टेड कैंडीडेट लगे है तो वो भी जिहड़े है दोबारा उन्हां दी जॉब जिहड़ी है रिस्क च है, हजे रिस्क ते है, सुप्रीम कोर्ट दे फैसले ते उन्हां दी जिहड़ी जॉब है वो डिपेंड कर रही है। सो इस करके मैं सारे नूं ये कहूँगी कि 19 जुलाई तो बाद ही तुहानूं सैकेंड लिस्टां देखण नूं मिलणगियां, क्योंकि जुलाई दे लास्ट वीक मैं जिहड़ी तुहानूं पहलां शुरू तो एक गल कहिंदी आ रही हूँ, उही गल जिहड़ी यूनियन दे प्रधान जी ने कही सीगी कि जुलाई दे लास्ट वीक थोनों सारा कुछ देखने मिलेगा। जो विदहेल्ड लिस्ट आई सी वो विदहेल्ड लिस्ट च कुछ त्रुटियां सी, कुछ कमियां सी, जिदा कि आप कह सकते हैं कि उहदे विच ओवरएज वाले कैंडीडेट्स भी सीगे, उहदे विच कुछ होर बहुत सारिया मिसटेक सी जो कि हुण अपडेट करके दोबारा पब्लिश की जाएगी। तो टेंशन ना लो, जिन्हां ने अपना क्लीयर करवाया होया विदहेल्ड दा स्टेटस तो वह तो आनगे ही आनगे लिस्ट दे विच, तो तुसीं टेंशन नहीं लैनी हैगी। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी हैगी आ कि जिहड़ी सैकेंड लिस्टां ने वह किन्ने किन्ने नंबर डाउन जा सकते। देखो सैकेंड लिस्ट जिहड़ी है वह जरूर आनी है, हरेक कैटेगरी चाहे वह बी सी है, चाहे वह एस सी है, चाहे जनरल है, हरेक दे विच 3-4 नंबर डाउन जरूर जानी है। ठीक है, तो तुसीं आप हिसाब ला लो, अगर 65 वाले है तो 62 तक जिहड़ी मैरिट डाउन जाएगी। मैं थोनू ए वाला सेम के जो चीज़ है मैं थोनू खुद अपने चैनल पर ही पहला भी दसी हुई है, और ये चीज़ फाइनल होएगी भी होएगी। ठीक है, तो उस तो बाद 99 का पोर्टल भी अपन उस तो बाद ही देखने मिलेगा, जदों बी एड फाइनली बार होगी तो उस तो बाद ही उदा सही जिहड़ा है अपने कोले नोटिफिकेशन आएगा। दूसरी चीज़ स्क्रूटनी करवा चुके, जिन्होंने स्क्रूटनी करवाई है ना उन्हों का नाम आया, ना उन्हें वो विदहेल्ड है, कुछ भी नहीं, उन्हों का क्लोज आ रहा फॉर्म, तो उन्होंने बेसिकली कॉन्टैक्ट करना चाहिए डिपार्टमेंट नाल, कोई भी दिक्कत हुई तो उन्होंने खुद डिपार्टमेंट जाना चाहिए, या फिर इहदा होर की तरीका हो सकता है कि तुसी वेट कर सकते हो, क्योंकि कईयां दे फॉर्म हजे भी क्लोज जा रहे हैं। ठीक है, तो उहदा आपां जिहड़ा हैगा या तो डिपार्टमेंट ही क्लीयर कर सकदे हो दी। ठीक है, तो डिपार्टमेंट तो जाके क्लीयर करवाया जा सकता है। विद हेल्प, देखो विद हेल्प जिहड़ी लिस्ट है वो दोबारा अपडेट होके पाएगी, ये जो विदहेल्ड लिस्ट है काफ़ी कमियां से जिम्मे कि थोड़ा मैं पहला दसिया, तो यह दोबारा पाएगी और ये मे बी जी है मंडे तो 18 तो उस तो बाद जी पै सकती है।
ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ 2364 ਦਾ ਆਪਣਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਅਗਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਬੀਐਡ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 2364 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਐਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ 2364 ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਆਈ ਸੀ 6635 ਹਜੇ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 6635 ਦੀ ਹਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯੇ ਵੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ 2364 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ 6635 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਹਜੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਲਿਸਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅਪਡੇਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਰਨ ਮਾਈਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ